अब बिल्कुल देखिए, अब कोर्ट से बाहर इनको वापस जेल में ले जाने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। जिस बस में इन आरोपियों को लाया गया था वो बस वापस तैनात हो गई है। जो पुलिस कर्मी है वो सभी मीडिया कर्मियों को हटा रहे हैं। किसी भी समय श्वेता वो जो सभी आरोपी है वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे जेल के लिए। और अब देखिए वो जो बस है उसका मूवमेंट शुरू हो गया है। यही वो बस है जहाँ से सुबह जेल से इन आरोपियों को कोर्ट रूम लाया गया था। क्या अंदर बैठ गए सारे? अंदर बैठ गए। देखिए सभी जो आरोपी है श्वेता वो इस बस के अंदर बैठ गए और ये जो बस है वो वापस इन आरोपियों को लेकर अब रवाना हो रही है जेल के लिए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। यहाँ पर तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। मीडिया कर्मियों को बहुत ज्यादा पास तक नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन यही वो बस है जिससे सभी आरोपियों को सुबह इस कोर्ट में लाया गया था। सर क्या और इसी बस से जो तमाम जो आरोपी हैं उनको? हाँ तो सर थोड़ा सा चलने दीजिए, सर थोड़ा सा दिखाने दीजिए, कोई बस के सामने नहीं आ रहा। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सबसे पहले जो तमाम आरोपी हैं उनको वापस जेल की तरफ प्रहरे में लिया जा रहा है। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया कर्मियों को बहुत ज्यादा आसपास बस के नहीं आने दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि इनमें से चार जो आरोपी हैं उनको दोषी करार दिया गया है। उनकी सजा पर फैसला हालांकि अभी नहीं आएगा, लेकिन अभी इन सभी को कोर्ट रूम से वापस जेल की तरफ ले जाया जा रहा है। और सभी जो आरोपी हैं वो इस बस के अंदर, आप देखिए बहुत ही अंदर बस के अंदर भी काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस के लोग अंदर भी मौजूद हैं। सभी जो आरोपी हैं उनको कड़ी सुरक्षा में यहां से जेल के लिए ले जाया जा रहा है।